और चलिए देश हमारा की शुरुआत करते हैं। तो यूपी में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को हुआ है और उससे पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के तेवर एक दूसरे के खिलाफ तीखे हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर दोवार किया, साथ ही साथ दोनों दलों की लड़ाई पहुंच गई है करहल, जहां से अखिलेश खुद चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने उनको घेरने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। भारत माता की, भारत माता की। समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। मैनपुरी की करहल सीट, जहां से अखिलेश पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश अपनी जीत को लेकर निश्चिंत थे, इसीलिए नामांकन के बाद उन्होंने कहा था कि वो यहां चुनाव प्रचार करने नहीं आएंगे, लेकिन बीजेपी ने उनके खिलाफ मजबूत घेराबंदी कर दी है। पहले केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को अखिलेश के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार कर अपनी मंशा जता दी करहल की महान जनता को प्रणाम, और अब करहल में अखिलेश के खिलाफ आक्रामक चुनावी प्रचार से बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश में जुट गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करहल में चुनाव प्रचार करते हुए अखिलेश पर तीखा हमला बोला। 300 से ज्यादा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने चाहते हैं क्या? अरे करहल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो। अखिलेश जी ने कहा कि मैं पर्चा डालने के बाद 10 मार्च को आऊंगा, कहा था ना। कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है नेताजी को। दरअसल समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव लंबे समय के बाद चुनाव प्रचार करने उतरे। उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ करहल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश को वोट देने की अपील की। लाखों लोग नौजवान हैं, हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं, आज बड़ी मेरी भीड़ आई है, मामूली बात नहीं है, इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी सभाओं में, आज लाखों लोग हैं, इसलिए हैं बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। इस दौरान अखिलेश भी मुलायम सिंह के साथ मौजूद थे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि करहल से अखिलेश चुनाव हारेंगे। मुलायम सिंह यादव जी का सब लोग सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन अब वोट दे करके अपनी बर्बादी को कोई आमंत्रित नहीं करना चाहता। साइकिल माने कि उत्तर प्रदेश के लोगों की जान को खतरे में डालना, बेटियों की सुरक्षा को खतरे में डालना, यहाँ के रोजगार को खतरे में डालना, यहाँ अराजकता को फिर से वापस लाना, दंगों को फिर से वापस लाना। अच्छा रहेगा कि अब वो श्री अखिलेश यादव जी जैसे इस स्तरहीन जो चुनाव को बनाने का काम कर रहे हैं उनके लिए वोट मांगने ना जाएं। उनका सम्मान सब लोग करते हैं, लेकिन वोट मांगने गए और लोगों ने कमल खिलाया तो उनका जो सम्मान है वो सम्मान में कमी आई। वहीं अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद में चुनाव प्रचार करते हुए दावा किया कि दो चरण में ही समाजवादी पार्टी ने शतक मार लिया। तीसरा और चौथा चरण जब हो जाएगा, चौथे चरण के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और सातवें चरण तक आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और भूत नाचेंगे भूत। और इन्हें बूथ पर कोई दिखाई नहीं देगा, मक्खी मारने वाले भी नहीं मिलने वाले। उत्तर प्रदेश में अभी 5 दौर का मतदान बाकी है, ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता अपने निर्णायक फैसले को चुपचाप ईवीएम का बटन दबाकर सुना रही है। ऐसे में हवा का रुख किधर की ओर है ये जानना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।